नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। आप सभी को ज्ञात होगा कि मैं आपको NIOS बोर्ड का हाई स्कूल का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ। और जो मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर प्रारंभ किया था उसका नाम है, पाठ 23 है वो चैप्टर, और उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो ये चैप्टर का आज मैं आपको दूसरा भाग पढ़ा रही हूँ। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को मैं रिवाइज करा देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जिससे कि आप लोगों की एक कंटिन्यूटी बनी रहे कि और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथि में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मिलकर कैसे कार्य करती है, टीम वर्क कैसे करती है, और रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताया था, कुछ उदाहरण दिए थे। इसी तरीके से उद्दीपन या स्टिमुलस के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी तंत्रिका तंत्र है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र का कार्य किसी भी आंतरिक या बाहरी उद्दीपन को महसूस करके उसके प्रति रिएक्शन या प्रतिक्रिया दर्शाना है। तो तंत्रिका तंत्र का यानी नर्वस सिस्टम का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, किसी भी जो बाहरी उद्दीपन है, बाहर वातावरण में जो भी परिवर्तन है या आंतरिक वातावरण में जो भी परिवर्तन है उसके प्रति रिएक्ट करना, रिएक्शन को दर्शाना ही तंत्रिका तंत्र का कार्य है। तंत्रिका ऊतक एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो आपस में या अन्य ऊतकों के साथ सूचना इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करती हैं और उस इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करती है, संचारित करने का कार्य पूरे हमारे शरीर में करती हैं। तो तंत्रिका तंत्र जो है एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब तंत्रिका तंत्र जो जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उसकी एक सिंगल कोशिका को हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र जो है वो बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और हम इस प्रत्येक तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं, डेंड्रॉन, कोशिकाएं और एक्सॉन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक चित्र भी दे रखा है, इसमें आपको पता चल जाएगा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। तो सबसे पहला भाग है तंत्रिका कोशिका का डेंड्रॉइट। डेंड्रॉइट ये तंत्रिका कोशिका से निकले हुए कोशिका द्रव्य प्रलंब या प्रोजेक्शन है। आप यहाँ देखिए चित्र में दिख रहा होगा आपको, बीच का मध्य का जो भाग है वो कोशिकाएं है, कोशा द्रव्य है। इस कोशा द्रव्य में से आपको थोड़ी उंगली के समान संरचना ये प्रोजेक्शन निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। इन प्रोजेक्शंस को ही हम डेंड्रॉन या डेंड्रॉइड्स कहते हैं। ये डेंड्रॉन जो होते हैं आवेग को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इनके सिरे तंत्रिका आवेग को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो डेंड्रॉन के सिरे हैं दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे डेंड्रॉइड्स दिख रहे हैं, इनके जो सिरे हैं वो क्या करते हैं, आवेग को ग्रहण करते हैं और एक रासायनिक क्रिया होती है जो विद्युत आवेग पैदा करते हैं। यह आवेग फिर संपूर्ण कोशिका काय यानी संपूर्ण कोशिकाय दिख रहा है आपको, ये मध्यवर्ती भाग, इसमें संचारित होता है। यानी कि जो आवेग है वो कहाँ पर ग्रहण किया गया, डेंड्रोइड्स के द्वारा किया गया, इनके सिरे के द्वारा ग्रहण किया गया और उसके बाद एक विद्युतीय आवेग उत्पन्न होता है जो कोशिकाय में संचारित किया जाता है। नेक्स्ट बात है न्यूरॉन का कोशिका काय। अभी मैं आपको बता रही थी कि कोशिका काय, देखिए मध्यवर्ती राउंड पार्ट दिख रहा है आपको, कोशिका काय में कोशिका द्रव्य से घिरा एक स्पष्ट केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है। तो कोशिकाय में क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ एक स्पष्ट केंद्रक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस कोशिका काय में बाकी सेल्स की ही तरह अन्य कोशिकांग भी होते हैं। कोशिका काय जो होता है वह तंत्रिका आवेग को तंत्रिका तंतु तक संचालित करता है।
यहाँ पे देख लीजिए आप फिगर में, आप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है तंत्रिका तंतु या एक्सॉन। तंत्रिका तंतु या एक्सॉन किसे कहते हैं? देखिए, कोशिका काय से निकलने वाली एक शाखा जो होती है वो अन्य शाखाओं की तुलना में काफ़ी लंबी हो जाती है। देखिए, कोशिका काय से प्रोजेक्शन से निकले हैं, एक तो डेंड्रॉन है, डेंड्रॉइड्स बोलते हैं जिसे, और एक शाखा अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ वह अन्य शाखाओं की तुलना में काफ़ी लंबी होती हुई जाती है। इसी लंबी शाखा को हम तंत्रिका तंतु या एक्सॉन कहते हैं। अधिकांश तंत्रिकाओं में यह वसा आच्छाद के द्वारा घिरी हुई रहती है जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं, यानी कि एक सीट के द्वारा, फैट की सीट के द्वारा घिरी होती है जिसको हम न्यूरोलेमा कहते हैं। और ये न्यूरोलेमा जो है बीच बीच में मिसिंग होती है, मतलब बीच बीच में न्यूरोलेमा नहीं होती है। तो जहाँ पे न्यूरोलेमा नहीं है इस तंत्रिका तंतु के ऊपर से, उन जगहों को हम बोलते हैं रेनवियर नोड्स, नोड ऑफ रेनवियर, या हिंदी में रेनवियर के पर्व बोला जाता है। तो न्यूरोलेमा की अनुपस्थिति में रेनवियर की जो नोड होती है वो विद्युतीय क्रिया उत्पन्न करने में तथा तंत्रिका के आवेग के संचार में सहायक होती है। तो ये विद्युत क्रिया उत्पन्न करने का कार्य होता है नोड ऑफ रेनवियर का। एक्जॉन के अंतिम भाग जो होते हैं फूले हुए होते हैं, बल्ब के समान होते हैं, जिसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर रसायन होता है, एक केमिकल होता है। एक्जॉन के जो बल्ब होते हैं वह अगली नेक्स्ट तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की डेंड्राइटों के समीप स्थित होते हैं। इस प्रकार से दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की इसी संधि को, इसी जॉइंट को साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस आवेग साइनेप्सिस में से गुजर के एक तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचता है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि डेंड्रोइट्स ने आवेग को ग्रहण किया, डेंड्रोइट्स के जो सिरे थे पहला भाग था, उसके बाद जो संचरण था आवेग का वो कोशिकाएं में हुआ, कोशिकाएं से एक्जॉन में आया, एक्जॉन से साइनेप्सिस में आया, और साइनेप्सिस जो है संधि वाला क्षेत्र है जिससे दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी है। तो यह साइनेप्सिस में गुजर के विद्युत आवेग दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचता है। जब कोई आवेग एक तंत्रिका कोशिका के सिरे तक पहुंचता है तब एक रसायन का विमोचन साइनेप्सिस दरार में होती है जो तंत्रिका आवेग को तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने में सहायता करता है। यानी कि साइनेप्सिस में जो होता है एक प्रकार का केमिकल साबित होता है, और वह केमिकल जो है इस आवेग को साइनेप्सिस से होते हुए दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाने में सहायक होता है। ये रसायन यानी केमिकल साइनेप्सिस को पार करते हैं और ऐसा ही विद्युतीय आवेग अगली तंत्रिका कोशिका में पैदा करते हैं। अंततः है ये आवेग जो है वह तंत्रिका कोशिकाओं से अन्य कोशिकाओं तक पहुंचता जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी फिगर दिखा रखी है, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, केंद्रक दिखा रखा है, डेंड्रोइट्स दिखा रखे हैं, उससे एक पतली सी कोशिकाएं से पतला से एक तंतु निकला है, उसको हमने एक्जॉन बोल रखा है। एक्जॉन देखिए एक आच्छाद से जुड़ा हुआ है जिसे मेड्यूलरी आच्छाद कहते हैं, न्यूरोलेमा कहते हैं, और कहीं कहीं पर न्यूरोलेमा देखिए बीच बीच में टूटा हुआ है, कंटिन्यू नहीं है, वहाँ उस जगह को हम बोलते हैं रेनवियर नोड्स। अब आप देखते हैं तो एक्जॉन आगे जाके जो होता है बल्ब के समान फूली हुई संरचना आपको दिखाई देगी, वो एक्जॉन के सिरे हैं जिनको हम साइनेप्सिस कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आवेग का संचारण एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में होता है। तो आप ये तंत्रिका कोशिका की संरचना या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसका चित्र बना लीजिए जैसे मैंने दिखा रखा है, और जो भी आपको ये नोट्स आप इसके बना सकते हैं। अब देखिए तंत्रिका कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि तंत्रिका कोशिका के भाग क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं, यानी एक तंत्रिका कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तंत्रिका कोशिका कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो देखिए तंत्रिका कोशिकाएँ तीन प्रकार की होती हैं। पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएँ या सेंसरी नर्व सेल्स। साफ पता चल रहा है कि यह आवेग को संवेदी अंगों से, जो संवेदी अंग है जैसे आँख नाक कान त्वचा, इनसे आवेगों को मुख्य केंद्रिका तंत्र यानी ब्रेन में पहुंचाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का
कार्य करती है। तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं हैं जो आवेग को संवेदी अंगों से सीधे कहाँ पहुंचाती है, मस्तिष्क या मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाती है, पहुंचाने का कार्य करती है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं या मोटर न्यूरॉन्स, ये आवेग को, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहाँ से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क से, ब्रेन से कहाँ पहुँचाती है, संबंधित मांसपेशी या ग्रंथियों में, ठीक है, क्योंकि आवेग हमको सूचना मिली वो सूचना संवेदी अंगों से तंत्रिका संवेदी तंत्रिका कोशिका ने कहाँ पहुँचाई, ब्रेन में पहुँचाई, और ब्रेन से ये आवेग जो है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँची, मांसपेशी या संबंधित अंग तक या ग्रंथियों तक पहुंची है, जिससे कि वो रिएक्शन करेंगे, वो अंग रिएक्ट करेंगे, तो ये कार्य होता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका का। तीसरा है संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं, इस तरीके की तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं, ये ब्रेन में स्थित होती है, ये केवल ब्रेन में स्थित होती हैं, और ये जो है कोशिकाएँ ये संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि तंत्रिका न्यूरॉन से जो होती है कितने प्रकार की, तो तीन प्रकार की होती है, एक तो है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि जो आवेग को या इन्फॉर्मेशन को कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को संवेदी अंगों से ग्रहण करने का कार्य करती है और उनको सीधे कहाँ पहुँचाती है, मस्तिष्क में। दूसरी टाइप की कोशिका है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, ये कोशिकाएं क्या होती है, वो जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो तो संवेदी अंगों से आवेग को पहुंचाती है मस्तिष्क तक, लेकिन प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है मस्तिष्क से जो भी ऑर्डर है या जो भी कार्य करने का जो संचालन है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो संबंधित मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और संयोजी तंत्रिका ऊतक कोशिकाएं जो होती हैं वह संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है और ये मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा हमने आपको चित्र दिखा रखा, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए पहले आप हमने यहाँ पे जो संचरण है आवेग का उसकी दिशा दिखा रखी है। देखिए न्यूरॉन से, ये यहाँ पर संवेदी न्यूरॉन है, इन्हों ये कहाँ से आवेग कहाँ से मिला, इनको सूचना कहाँ से मिली, संवेदी अंगों से, संवेदी अंगों से पहुँचते हुए ये प्रवाह की दिशा दिखा रखी है। रेनवियर नोड से होते हुए ये एक्जॉन में पहुँची और जाके वहाँ पर संयोजी न्यूरॉन हमको दिख रहे हैं, येलो कलर में दिख रहे हैं, ये जो है ये यहाँ पर संयोजी न्यूरॉन है, ये मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं केवल, तो मस्तिष्क में ये इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, ठीक है। उसके बाद ये जो आगे का जो एग्जीक्यूशन है वो किसके द्वारा पहुंचा, प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा संबंधित मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये तीनों टाइप की जो कोशिकाएं हैं वो मैंने एक फिगर के माध्यम से भी आपको बता दी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करने के लिए आप मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।